कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु विकर्मणि। मैं माँ हूं, धरती माँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। यदि महान शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाएं जिसका लक्ष्य उनका दुरुपयोग करना हो, तो क्या इस सृष्टि का अस्तित्व संकट में नहीं पड़ जाएगा? यदि कोई जन कल्याण के नाम पर कोई वरदान प्राप्त करे परंतु उसका उपयोग किसी एक वर्ग के लाभ के लिए करे, तो क्या यह कार्य अनुचित नहीं होगा? क्या जीवन के लिए केवल ये बात महत्वपूर्ण है कि किसी कार्य का फल उत्तम हो? यह महत्वपूर्ण नहीं कि उसके लिए जो मार्ग चुना गया है वो भी उचित है या नहीं? गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र मांगा था जन कल्याण के लिए, पर वो इसका उपयोग कर रहे हैं अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। उनका निर्णय कैसी नाटकीय घटनाओं को जन्म देगा, इसकी प्रतीक्षा में मैं भी संस्था में दृष्टि जमाए खड़ी हूं। देवराज, चित्ररथ, मलय केतु बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानव राज काल केतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बड़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो, सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्यों को दिए गए वचन को निभाने का अवसर है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि मैं दानव संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल अपने साथ पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वामी। जीवन में कोई और नाता, कोई और संबंध यदि महत्व भी रखता है तो इस नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी विजय की प्रार्थना करती रहूंगी।
सारथी रथ रोको। रुको सारथी। घमंड अपनी शक्ति पर। आज का दिन तुम्हारे घमंड का अंतिम दिन होगा। आज हम अपनी पराजय और अपने अपमान का प्रतिशोध लेने आए हैं। चलो युद्ध आरंभ करो। आक्रमण तुमने किया है दानवराज कालकेतु, तुमने, हमने नहीं। हम तो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। युद्ध तुम आरंभ करो, तुम। कायर, ये क्यों नहीं कहते कि तुम में युद्ध और आक्रमण करने का साहस नहीं रह गया है? हम तुम्हें युद्ध में पहल करने का निमंत्रण दे रहे हैं और तुम पीछे हट रहे हो। चलो आक्रमण करो। हम कायर नहीं है और ये सत्य तुम भली भांति जानते हो। हम पहले भी तुम्हें कई बार पराजित कर चुके हैं और आज भी यही होगा। हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। सावधान कालकेतु। Ha 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 ha
अब तक तुमने प्रहार किया है, अब हमारी बारी है। सावधान। आक्रमण! आक्रमण करो! Thank you.
आपके कृपा से हम जीत गए गुरुदेव। तुमने पहली बार हमें गुरु दक्षिणा दी है काल केतु। यह भेंट स्वीकार कीजिए गुरुदेव, यह इंद्र का वज्र है। श्री की बधाई हो स्वामी। हमारी विजय आपके पिता की पराजय भी तो है देवी। आपको अपने पिता की पराजय का दुख तो नहीं? मैं जिस संस्कृति में पली बड़ी हूँ स्वामी, उसकी रीति ये है कि जब कन्या किसी को अपना पति स्वीकार करती है तो उसके साथ साथ उसके दुख सुख हर शोक को भी अपने गले लगा लेती है, और जब किसी के गले में वरमाला डालती है तो उसी माला के साथ अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं को भी समर्पित कर देती है। फिर भी पिता की पराजय का दुख तो स्वाभाविक है देवी। मैं अब किसी पिता की पुत्री नहीं, अपने स्वामी की अर्धांगिनी हूँ। हमारी संस्कृति में पाणी ग्रहण केवल शारीरिक मिलन नहीं होता, आत्माओं का मिलन भी होता है। युद्ध में आपकी विजय मेरे लिए गर्व की बात है। मेरी ओर से देवताओं की सेना पर विजय की हार्दिक बधाई स्वीकार करें। विजय हमें केवल देव सेना पर नहीं मिली है देवी, हमने मृत्यु पर भी विजय पा ली है। अब दानव लोक के लिए मृत्यु का अंत हो चुका है। हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी, कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाएं। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो कह रहे हैं कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली है। किसकी मृत्यु पर महादेवी? वो दानवों को पुनः जीवन अवश्य दे सकते हैं, परंतु महादेवी आप तो बस देखती जाइए कि जिस अभिमान ने देवेंद्र के सिर में अपना डेरा जमा रखा था, अब वही अभिमान दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सिर में अपना घर बना रहा है। परंतु हे कमलनयन, अभी तो देवेंद्र बहुत उदास, बहुत दुखी और बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं। हाँ महादेवी, हाँ, भूल का मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। जो हुआ वो मेरी और केवल मेरी भूल का परिणाम था। इस भूल में आप अकेले नहीं हैं देवेंद्र, हम सब ने भी तो अपने आप को
जी भर के चला था। जो हो चुका है उसका शोक समस्या का समाधान नहीं है देवेंद्र। यह स्थिति बहुत गंभीर और घातक है कि दानवों का जीवन संजीवनी की छाया में सुरक्षित हो चुका है और देव जीवन आज सुरक्षा की राहों में भटक रहा है। इस स्थिति में मेरी दृष्टि कहीं जाकर ठहरती है तो केवल लक्ष्मी नारायण के चरणों पर। उनके सिवा कोई नहीं जो हमें संकट से उबार सके। देवेंद्र, हमें श्री विष्णु के पास चलना चाहिए। अब उनके अतिरिक्त और कौन आश्रय दे सकता है? उनके अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है? कह दीजिए समस्त देवताओं से कि हमें मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास जाना है। हे देवेश्वर, हम पराजित हुए। हमारी सेना के अगणित सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा सिर लज्जा से झुक गया। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जो हमारी रक्षा करे, हमारे दुख का निवारण करे। हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र क्या प्राप्त किया, हमारे सिरों पर मृत्यु और पराजय का वज्र आ गिरा। हे लक्ष्मीपति, यदि दानव मरते हैं तो दैत्य गुरु उन्हें फिर से जीवित कर देते हैं और जब देवता मरते हैं तो उनका सदा के लिए अंत हो जाता है। हे सर्वशक्तिमान, यही दशा रही तो देवता घटते जाएंगे, दानव बढ़ते जाएंगे और एक दिन देवलोक पर दानवों का आधिपत्य हो जाएगा। देव संस्कृति गिर जाएगी तो मानव संस्कृति भी गिर जाएगी। जब हम संजीवनी मंत्र से सुरक्षित नहीं तो मानव तो और भी दुर्बल है। हमें संजीवनी मंत्र से बचाइए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। संजीवनी मंत्र का केवल एक उत्तर है, अमृत। अमृत? अमृत? अमृत वो है जो पीने वाले को अमर बना देता है। मृत्यु उसे छू नहीं सकती। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? देवेंद्र, अमृत आपको समुद्र से मिलेगा, सागर का मंथन करने से मिलेगा। अमृत? परंतु हे जगदीश्वर, हमें तो अमृत के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं। हे देवराज, जिस प्रकार दूध के भीतर माखन छिपा तो होता है परंतु वो मिलता तभी है जब दूध को मथा जाता है, उसी प्रकार समुद्र के भीतर अनेक पदार्थ छिपे हैं, अनमोल रत्न छिपे हैं, उन्हें केवल मंथन के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अमृत उनमें सबसे अनमोल है। सत्य तो यह है देवगण कि मंथन, मथने और खंगालने की उस क्रिया का नाम है जिसके द्वारा स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों की खोज की जाती है। मानव यह मंथन प्रतिदिन करता है, वो प्रतिदिन स्वयं को मथता है, खंगालता है और स्वयं के भीतरी गुणों और अवगुणों को बाहर निकालता है। आश्चर्य तो यह है कि वो मानव होकर भी इस क्रिया से परिचित है और आप देवता होकर भी इस क्रिया से अपरिचित हैं। पर हे लक्ष्मीपति, हम समुद्र का मंथन करेंगे कैसे? मंथन मथानी और डोरी की सहायता से किया जाता है। मैं आपके लिए मंदर पर्वत को मथानी बनाऊंगा और वासुकी नाग की डोरी दूंगा। परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। और किस सामग्री की आवश्यकता होती है सर्वेश्वर? डोरी को खींचने और मथानी को डुलाने के लिए दो दलों की आवश्यकता होगी देवेंद्र।
जो डोरी को दो छोरों से पकड़कर खींचेंगे, उनके बिना तो मंथन संभव ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध मथने के लिए दो हाथों की आवश्यकता होती है। तो हम देवता आधे एक छोर पकड़कर आधे दूसरा, यह कार्य तो सरलता पूर्वक कर सकते हैं। मंदर की मथानी को डुलाना है देवेंद्र, वासुकी नाक की डोरी को खींचना है। संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है और आपकी घटी हुई छोटी सी संख्या इतना महान कार्य नहीं कर सकेगी। हे सर्वेश्वर, हम फिर दूसरा दल किसको बनाएं? दानवों को। दानवों को? हाँ, दानवों को। यदि दानव आपका साथ दें तो समुद्र मंथन संभव है, और समुद्र मंथन होगा तभी संजीवनी का उत्तर भी प्राप्त होगा। हे परमेश्वर, ये तो एक असंभव अभियान होगा। सर्वप्रथम तो दानव हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, और यदि सुन भी लें तो मानेंगे नहीं। हे कृपा निधान, दानवों को तो अमृत की आवश्यकता भी नहीं जिसके लिए वो हमसे सहयोग करें। उनके गुरु के पास तो संजीवनी मंत्र की शक्ति है, उन्हें तो यूं भी मृत्यु से मुक्ति मिल चुकी है। हे दीनदयाल, यदि दानव मान भी गए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें कभी हमसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे। निस्संदेह नहीं देंगे, और यही तो आप सबके विवेक और बुद्धि की परीक्षा होगी देवगण। आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी अपने तर्क से संतुष्ट करना होगा। पर हे देवेश्वर, उनके आगे हम क्या तर्क रखेंगे? देवेंद्र, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह समझाएंगे कि संजीवनी मंत्र मृत्यु का मात्र क्षणिक उपचार है। संजीवनी जीवन की एक ऐसी कुंजी है जो खो भी सकती है, जो टूट भी सकती है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। अमृत पान करने वाला मृत्यु पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु हे नारायण, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमें दानवों के पास सिर झुकाकर जाना होगा, उनसे सहयोग और सहायता की भिक्षा मांगनी होगी। क्या यह समस्त देवलोक का अपमान नहीं होगा? क्या अपमान में अब भी कोई कमी रह गई है देवराज? शब्दों के जाल में मत उलझिए देवेंद्र, शब्दों के जाल में मत उलझिए। आंधी आए तो आंखें फाड़कर पथ पर आगे बढ़ते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसे में बुद्धिमत्ता तो वो है कि नेत्र मूंद कर बैठा जाए और आंधी के निकल जाने की प्रतीक्षा की जाए। शस्त्रधारी शत्रु से निहत्ते लड़ना यह कोई वीरता नहीं है देवगण, यह तो आत्महत्या है। ऐसे में वीरता तो यह है कि शत्रु को शांत रखा जाए, यदि आवश्यकता पड़े तो उसकी प्रशंसा भी की जाए और उससे लड़ने के लिए शक्ति जुटाई जाए। शत्रु से सहयोग और सहायता लेना भी रणनीति का अंश है देवेंद्र। एक प्रश्न अभी रह गया सर्वेश्वर। वो भी पूछ लीजिए। यदि दानवों ने सहयोग देने के लिए यह मांग की कि अमृत उन्हें भी दिया जाए, तब क्या होगा? संजीवनी के साथ अमृत भी उन्हें मिल गया तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाएगी। असंभव, असंभव देवेंद्र, असंभव। समुद्र मंथन से अनेक पदार्थ निकलेंगे, अनेक सामग्रियां निकलेंगी, अनमोल रत्न निकलेंगे, उन सब का बंटवारा संभव है, परंतु अमृत पर केवल देवताओं का अधिकार होगा, उसकी एक बूंद पर भी दानवों का अधिकार नहीं होगा। अब यह कैसे होता है यह देखना मेरा कार्य। यदि दानवों ने अमृत मांगा तो मैं स्वयं बीच में आऊंगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप संकट नाशक हैं, तारणहार हैं, हमारे नायक हैं। आपने इस निराशा में आशा का दीप जला दिया। हमें अनुमति दीजिए जगदीश्वर, आपका और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य अपने अभियान में सफल होंगे। हम शीघ्र लौटकर दानवों का सहयोग मिलने का समाचार आपको सुनाएंगे। शुभस्य शीघ्रम। हे कमलनयन, आपने अभी कहा कि दानवों से सहयोग लिया जाए, किंतु उन्हें अमृत की एक बूंद भी न दी जाए। हाँ हाँ महादेवी, मैंने यही कहा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या ये छल नहीं कहलाएगा? कार्य की परिभाषा उसका उद्देश्य निर्धारित करता है महादेवी। यदि उद्देश्य उत्तम हो तो उसे
छल का नाम नहीं दिया जाता, उसे नीति का नाम दिया जाता है। देवताओं को भी नीति से कार्य लेना होगा। छल तो गुरु शुक्राचार्य कर रहे हैं महादेवी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि संजीवनी मंत्र उन्हें मानव कल्याण के लिए चाहिए, पर क्या वो मानव कल्याण कर रहे हैं? वो तो संजीवनी मंत्र का उपयोग केवल दानव कल्याण के लिए कर रहे हैं। और यह छल है देवी, यही छल है। और इसके उत्तर में कोई भी कार्य, भले ही उस पर छल का संदेह ही क्यों ना हो, उचित ही नहीं उत्तम भी है। आप तो उत्तरों के उत्तर हैं, तर्कों के तर्क हैं और उद्देश्यों के उद्देश्य हैं कमल नयन। आपकी हर बात में रहस्य होता है। दानव राज की जय हो। देवलोक से देवराज इंद्र अपने सहयोगी देवताओं के साथ पधारे हैं और दानव राज की सेवा में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। पराजय विजय से मिलने आई है महाराज, बधाई हो। सावधान कालकेतु, उनके आने में अवश्य ही कोई रहस्य है। देवराज और उनके साथी देवताओं को सम्मान सहित सभागार में लाया जाए। जो आज्ञा दानवराज। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम दानवराज कालकेतु। दानव सभागार में देवराज इंद्र का स्वागत है। कदाचित ये पहला अवसर है जब देवराज और अन्य देवताओं ने अपने चरणों की धूल से दानव सभागार को पावन किया है। आप सत्य कह रहे हैं महाराज, नहीं तो हम इस योग्य कहां थे कितने महान व्यक्तियों के दर्शन पाते। ये ना भूलिए महाराज कालकेतु कि हम में वैर के अतिरिक्त भी एक नाता है। उस नाते को भी स्पष्ट कर दीजिए देवराज। हम और आप अलग अलग माताओं के किंतु एक ही पिता की संतानें हैं। हम एक दूसरे के भ्राता भी हैं दानवराज। मेरे दानव शिष्यों को सदैव इसका स्मरण रहा है देवराज, परंतु लगता है देवताओं की स्मरण शक्ति कुछ दुर्बल है। उन्हें इस नाते का स्मरण बस कभी कभी रहता है, आवश्यकता अनुसार। ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? ऐसा इसलिए कह रहा हूं देवराज, यदि देवताओं को यह नाता स्मरण रहता तो आपके प्रिय भगवान विष्णु को हयग्रीव का वध करते समय थोड़ा संकोच अवश्य होता, परंतु उन्होंने मेरे शिष्य हयग्रीव को बड़ी निर्ममता से मार डाला। बीती बातों का स्मरण सर्प निकल जाने के उपरांत लकीर पीटने के समान होता है दैत्य गुरु। हम बीती बातें भुला देने के उद्देश्य से ही आप सबकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। परंतु हम तो नहीं बोल सकते कि हयग्रीव अब जीवित नहीं है। हयग्रीव जीवित रहता यदि उस समय आपके पास संजीवनी मंत्र होता या हम सबके पास वो होता जिसे प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर हम यहां आए हैं। क्या प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं देवराज? मैं अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव लेकर आया हूं दानवराज। अमृत? 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 हाँ अमृत, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम में और आप में सहयोग और समझौता आवश्यक है। सहयोग समझौता, जल अग्नि से समझौता करने आया है, मृग सिंह से सहयोग चाहता है। ये कैसी अनोखी बात कर रहे हैं आप देवराज इंद्र? और ये अमृत है किस वस्तु का नाम? अमृत वो अनमोल वस्तु है जिसे पीकर हम सब मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। जिसको पीने वाला अमर हो जाता है, मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकती। मृत्यु तो यूं भी मेरे शिष्यों के निकट नहीं आ सकती है देवराज, आ भी जाए तो उल्टे पांव लौट जाती है। आप भूल रहे हैं कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य आप महान विद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। संजीवनी मंत्र ने आपको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि कोई आपके समक्ष सिर नहीं उठा सकता। फिर भी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अवश्य पूछिए देवराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ये सत्य है कि संजीवनी मंत्र के कारण दानव मृत्यु के भय से मुक्त हो चुके हैं। उन्हें मृत्यु आ भी जाए तो आप उन्हें पुनर्जीवन प्रदान कर देंगे, परंतु यदि आपको कुछ हो गया तब क्या होगा दैत्य गुरु? जीवन सागर का सदा मंथन है अनिवार्य, सफल वही संसार में करे कठिन जो कार्य। अमृत पाने के लिए तज कर झूठा मान, जो विपक्ष को साथ ले वो नित्य महान, वो नित्य महान। जो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान। चल सुजान